गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। अब देखो कैसे क्या तैयार होते हैं, कितनी लेयर्स पहनते हैं जो आप पूछते हो। आज तो खैर टेम्परेचर कम है, चलो आज मैं आपको घुमाऊंगा भाई लॉन्गरबीन शहर, जो कि मतलब स्वालबाड़ की कैपिटल कह सकते हो, मेन सिटी जो भी। अभी आज हमने कोई टूर नहीं लिया है, मैं भी कर लें तो अभी करते हैं ब्रश, टॉयलेट, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट अपना हॉस्टल में इंक्लूडेड है, खा पी के बाहर चलते हैं। तो भाई मेरे साथ वाला बंदा तो चला गया, उसने कुछ आइस केव का टूर बुक किया था, वो कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। इसको डॉग स्लेडिंग दी है, शायद 1,000 नॉक में, 1,100 नॉक में कुछ बुक किया था। तो हम चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। भाई ब्रेकफास्ट में ये तो शायद भाई और क्या है में से कुछ होगा, और ये सब जाम वगैरह है, काफ़ी वैरायटी है वो यहाँ पे भी है, और शायद दूध जूस भी है, दूध भी है, अच्छा है, खाते हैं। ब्रेड बना लाया अपनी, जाम वाम खीरे और चीज़ लगा के, कुछ भी मैंने मीट टाइप डाला नहीं। और ये जूस अभी मूसली वगैरह भी खा लेंगे, मतलब पूरा पेट फुल कर लेंगे भाई। कई बार होता है ना कि भाई कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग सड़ जाता है। मैं 2 घंटे से लगा पड़ा हूँ, एक फ्लाइट बुक करी थी मैंने अपनी और परमवीर की, ना के आया था अभी तो भाई स्मार्ट फेयर्स करके एक वेबसाइट है, उसने पैसे ले लिए 3 दिन पहले ले लिए थे, और ईमेल में लिखा आया था कि हम 24 घंटे में कंफर्मेशन टिकट भेजेंगे आपको, या फिर वीकेंड्स होगा तो 72 आवर्स। तो वीकेंड था तो भाई मैंने वेट कर लिए, 72 आवर हो गए थे, मैंने मैसेज किया कि भाई मेरी टिकट, कहते अब तो प्राइस बढ़ गए हैं और क्या कहते हैं, अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करो और फिर आपको फ्लाइट टिकट मिलेगी। मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करने को भी तैयार हो गया, पर उसके बाद भी कुछ स्कैम चल रहा है उन लोगों का, मेरे हिसाब से उसके बाद भी कुछ और पैसे लेना चाहते थे। इसकी पूरी वीडियो मैं अपने छोटे वाले चैनल जो नवांकुर चौधरी का है उस पर डालूंगा, वो आप देख लेना। कई सारी स्कैम वेबसाइट्स मेरे को टकरी हैं इन 6 साल के जो मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस, ट्रैवल जर्नी अभी तक कर रहा हूँ मैं, तो उन सब की बात मैं उस वीडियो में करूँगा, तो वो वीडियो देख लेना, अभी इस वीडियो को ख़राब नहीं करते हैं। तो भाई उसी में मैं लगा पड़ा था, अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है यार, क्योंकि अभी तो 12 बजे, अभी ऐसा ही रहेगा, रात ही रहेगी। तो यार मैंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े दिए थे और मेरे पास अब पहनने के लिए एक एक इनर है, और बाहर -10 हो गया, कल तो फिर भी -5, -2-3 ऐसा था बस, तो -10 में यार मैं जा नहीं सकता। तो लॉन्ड्री वालों ने कहा कि अभी हम आपको शाम तक दे देंगे कपड़े, मतलब 2-3-4 बजे तक, तो मैं तब तक खाना पीना खा लेता हूँ, लंच वंच में पूरा जो लेके आया था मैं, और फिर चलेंगे बाहर, क्योंकि खुला रहता है वैसे भी सब कुछ, ऐसे कुछ ये नहीं है कि बंद हो जाएगा, और कुछ रह जाएगा तो मैं कल डाल दूंगा, इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं हूँ अभी लॉन्गरबीन स्वालबाड़ में। ये लॉन्गरबीन है दुनिया का सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, जो कि बसा हुआ है 78 डिग्रीज़ नॉर्थ में। जो अगर नॉर्थ पोल आप जाओगे तो वो है 90 डिग्रीज़ नॉर्थ, तो हम सिर्फ नॉर्थ पोल से हैं 12 डिग्री नीचे, मतलब साउथ की तरफ। और यहाँ से नॉर्थ पोल की कुल दूरी है 1300 किलोमीटर। तो अगर मतलब अगर आप फ्लाइट लेते हो नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ना चाहते हो तो आपको 1.5 घंटे में फ़्लाइट वहाँ पहुँचा देगी। और जो स्वालबाड़ है उसका जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है वो है 82 डिग्रीज़ नॉर्थ पे, मतलब बस नॉर्थ पोल से 8 डिग्री दूर। यहाँ पे इस छोटे से गांव ही कह लो इसको, यहाँ पे 2500 लोग रहते हैं, 150 अलग अलग नेशनैलिटीज़ रहती हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको चाहिए तो वीज़ा शेंगन, क्योंकि सिर्फ नॉर्वे से आ सकते हो आप। पर स्वालबाड़ एक ऐसा टापू है मतलब जहाँ पे आके कोई भी वीज़ा फ्री रह सकता है और वीज़ा फ्री काम कर सकता है ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि एक 1920 में स्वालबाड़ की ट्रीटी हुई थी जिसके मुताबिक सारे देशों ने, सारे तो नहीं कहूँगा मैं, 48 देशों ने एक्सेप्ट किया था कि स्वालबाड़ को नॉर्वे के हाथों मतलब कंट्रोल करने के लिए दे देना चाहिए, पर एक शर्त पे कि यहाँ पे कोई भी आके पूरे टापू में माइनिंग कर सकता है, कोई भी देश आके, और कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है, कोई वीज़ा वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 ही माइनिंग कंपनियाँ हैं, एक है नॉर्वे की और एक है रशिया की। एक अबेंडन टाउन भी है जहाँ पहले, यहाँ पे रशियन यूक्रेनियंस बहुत हैं, एक अबेंडन टाउन जिसका नाम है पिरामिडीन, वो लॉन्गरबीन से थोड़ा ज़्यादा नॉर्थ में जाके है पिरामिडीन। पर अभी सर्दियों में एक्सेस कर तो सकते हैं स्नोमोबाइल वगैरह से, पर गर्मियों में जाना ज़्यादा सही है, क्योंकि आप देख सकते हो अभी सर्दियों में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा मेरे आसपास, क्योंकि अभी चल रही है पोलर नाइट्स। पोलर नाइट्स का मतलब होता है 24 घंटे रात, और ये यहाँ पे ऐसा लगभग लगभग ये मान सकते हो 2.5 से 3 महीने तक ऐसा ही माहौल रहता है कि बिल्कुल सूरज
नहीं निकलेगा। आज है 22 जनवरी और अब इस वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा जो स्वालबाड़ का मेन टाउन है लोंगेरबीन। एक और टाउन है बेरेंट्सबर्ग करके, वहाँ पे भी थोड़े बहुत लोग रहते हैं पर ये लोंगेरबीन थोड़ा उससे बड़ा है। बेरेंट्सबर्ग थोड़ा सा साउथ में है तो वो 77 डिग्रीज नॉर्थ में, ये 78 है। तो फ्लाइट्स वगैरह यहीं पे आती हैं और अगर आपको इस टाइम पे बेरेंट्सबर्ग जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्नोमोबाइल। तो चलो देखते हैं लोंगेरबीन का टाउन कैसा है। तो भाई अब निकल चुके हैं बाहर, कपड़े तो यार मेरे धुल के आए नहीं, तो मेरे को ऊपर तो ठंड नहीं लग रही, ऊपर तो मैंने इनर पहना, फिर उसके ऊपर ये हुडी पहन रखी है सफ़ेद भालू जैसी, ये भी काफ़ी गर्म है और ये जैकेट तो है ही काफ़ी गर्म। तो आज हो रखा है -10 और जा रहा हूँ चल के शहर तक, आपको शहर दिखाएंगे आज। और टाइम हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ बस बर्फ़ की कचड़ कचड़ भी आ रही होगी आवाज़, तो रुक के बताता हूँ। टाइम हो रहा है शाम के बजे 3:30। तो यार वो ये वेबसाइट स्कैम की वजह से भाई मैं तो परेशान हो गया, अब दोबारा किसी और वेबसाइट से बुक टिकट करी, पर चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, उस सब में लगा पड़ा था मैं क्योंकि वैसे भी रात दिन सेम ही सा है और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ना शाम को ही खुलती हैं। तो अभी तक तो मेरे को इतनी ठंड लग नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी अब पैरों में लगने लगी है, थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं बियर कर सकता हूँ इतनी ठंड में, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, अब आदत सी हो गई है। और आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सुपरमार्केट, तो आपने शायद पिछली या फिर अगली वीडियो में देख लोगे, आप मैं पूरा सुपरमार्केट का टूर दिया, यहाँ पे एक ही सुपरमार्केट है, बहुत बड़ी है भाई वो, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की लेन कि कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग की दुकान है, टूरिस्ट के लिए यहाँ ज़्यादातर शॉपिंग की दुकान है, यहाँ पे 2500 लोग रहते हैं बस। और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे एक मात्र जो चर्च है, और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का एक पोस्ट ऑफिस, और मतलब जो भी लोगों के घर वगैरह होंगे, एक स्कूल भी है कल जब हम गए थे, किंडरगार्टन टाइप स्कूल था, वो भी दिखाऊंगा मैं। और एक गाड़ी चली गई, ये भी देख लो आप। तो गाने सुनते सुनते जा रहा हूँ मैं और ज़्यादा हाथ बाहर नहीं निकाल रहा क्योंकि हाथ एकदम से चिड़ हो जाते हैं, ग्लव्स लाने भूल गया मैं, चलो क्योंकि यार जाते वक्त तो रास्ता ठीक है, मतलब ढलान पे है तो चलने में दिक्कत नहीं आती, पर आते वक्त चढ़ाई हो जाती है, तो आते वक्त 2 किलोमीटर के लगते हैं कुछ 35 मिनट आने में, और जाते वक्त भी कुछ मतलब 30 मिनट 2 किलोमीटर के, वरना मैं लगभग 2 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक कर देता हूँ। तो चलते हैं शहर की तरफ। तो भाई आप जैसे ये देख रहे हो स्वालबाड़ का सिटीज़न है, तो मतलब सिटीज़न नहीं यहाँ पे रहते, तो ये ऐसी जैकेट पहन के जा रहा है जैसे वो रिफ्लेक्शन नहीं मारती, तो ये ऐसी जैकेट यहाँ पहन के जाना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये जैकेट्स पहन के जाना ज़रूरी है, क्योंकि पोलर नाइट चल रही है, रात का समय है, तो गाड़ियों आप चल रहे हो कुछ भी नहीं दिखेगा उनको, मतलब दिखता तो है ही ऑफकोर्स ही बात है, पर उनकी लाइट पड़ेगी तो उनको पता चल जाए कोई इंसान जा रहा है। और ये यहाँ पे सिर्फ इंसानों को नहीं पहनाई जाती, ये कुत्तों को भी पहनाई जाती है, हालांकि टूरिस्ट नहीं पहनते हैं क्योंकि भाई देखो ये आती है 75 नॉक की, मतलब जो कि लगभग हो जाते हैं 600-700 रुपये, और ये हमारे होटल वाले भी दे रहे थे कि 75 नॉक की, मतलब वहाँ लिखा था चाहिए क्या, वैसे कंपलसरी नहीं है, लोग अपनी सेफ्टी के लिए कुत्तों को भी पहनाते हैं यही। आप मैं साइड में फ़ोटो देखना मैं लगा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे हस्कीज के साथ खिंचवाई थी, मतलब किसी के पालतू हस्की थे, मैंने ऐसी फ़ोटो खिंचवा ली, तो उन हस्कीज़ को भी पहना रखी थी। तो ये यहाँ पे मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ के सारे पहन के चलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई वहां से मैं चल के आया हूं, पे ब्लर हो जाता है यार, इतनी अंधेरा है ना, देखो ये बंदा भी वही जैकेट पहन के आ रहा है। वहां से मैं चल के आया हूं क्योंकि हमारा जो गेस्ट हाउस है वो सस्ता है सबसे, और सिटी से 2.5 किलोमीटर दूर है तो पैदल चल के जाना पड़ता है। ये आ गई, मतलब एक तरह से कह सकते हो सिटी की एंट्रेंस आ गई है, और ये भाई कचड़ कचड़ पैरों की आएगी आवाज़ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता यार, चलना तो पड़ेगा ही वरना 1.5 घंटा जाने में लग जाएगा और ठंड हो रही है। तो ये आगे सिटी की एंट्रेंस, मतलब थोड़े बहुत लोगों के गेस्ट हाउस घर, और कई सारे ना यहाँ पे घर अबेंडेंड भी हैं, मैं आपको जाते वक्त दिखाऊंगा, मतलब जहाँ भी आएंगे दिखाता हूँ, जैसे ये भी मेरे को ना अबेंडेंड सा ही लग रहा है। तो देखो, और यहाँ पे सारे घर जो हैं ज़मीन से थोड़ी थोड़ी ऊपर बने हुए हैं, वही यकुत्स वाला हाल है क्योंकि वही ठंड के कारण से।
अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आ गया मेरे हिसाब से बच्चों का प्राइमरी स्कूल या फिर किंडरगार्टन स्कूल आप कह सकते हो। झूले वूले लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों की थोड़ी बहुत एजुकेशन करा देते होंगे और फिर मेरे को लग रहा है कि मेनली नॉर्वे ही भेजते होंगे उनको आगे की पढ़ाई के लिए। भाई इतना नॉर्थ आके भी डस्टबिन हर जगह हैं, ये अच्छी चीज़ है। भाई वो थी मेन रोड और मैं राइट मुड़ के यहाँ आ गया इस वाली रोड पे ना थोड़ा ऐसा सा। और विजिट स्वालबार्ड का ऑफिस भी है यहाँ पे और देखें तो भाई कुछ ऐसी सी रोड है ये जो रेस्टोरेंट है कल मैं इस पे आया था, इस पे मिलता है भाई इंडियन खाना, मतलब इंडियन खाना नहीं एक डिश है दाल विद राइस एंड नान 214 नॉक का है, ध्यान से आना 1700-1800 रुपये पड़ेंगे आपको। ठीक है ये होटल है, ये मतलब मेन स्ट्रीट आप कह सकते हो इसको ना, इस पे सारी शॉपिंग वगैरह की दुकानें हैं, खाने हैं ये सब। भाई नॉर्वे के कब्जे में है तो नॉर्वेजियन फ्लैग और ये सारी मतलब दुकानें जिस पे कपड़े वगैरह गरम सोविनियर ये सब मिलते हैं। भाई आज मैं आपको एक सिटी टूर टाइप दे रहा हूँ कि मतलब क्या क्या है। देखो एक बार भी है, दारू तो लोगों को पीनी है भाई, चाहे ठंड हो गरीबी हो कोई मर रहा हो, दारू तो दारू वालों को चाहिए ही। ये देखो एक ऐसी दुकान है सारे भालू की खाल वगैरह। ये आ गई एक और दुकान, इस पे मिलती है भाई मतलब महंगे महंगे कपड़े। कल मैं गया था तो ग्लव्स थे 8000 रुपए के और जो टोपी है जो मैंने पहनी है मतलब नॉर्मल सी टोपी वो थी 4000 रुपए की। जैकेट है तो पूछो ही मत। फिर ये आ गई आगे जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, ये है यहाँ की सुपरमार्केट जो कि काफ़ी बड़ी है। संडे को थोड़े शायद 3-4 घंटे के लिए खुलती है, वैसे सुबह 10 से रात के 9 तक खुलती है। ये देखो भाई कितनी बड़ी सुपरमार्केट है, एक दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा मतलब दरवाज़ा तो एक गया, अंदर देखो आप और तीसरा दरवाज़ा चौथा दरवाज़ा वहाँ से एंटर है। और स्वालबार्ड स्टोर लिखोगे ना गूगल पे तो आ जाएगी अगर आप यहाँ पे आते हो, वैसे खो नहीं सकते यहाँ पे कि आप खो जाओ, ये नाम है। ऊपर भी पोलर बियर छपा है और वो देखो उस बच्चे का अपनी छोटी वाली स्नो मोबाइल है, वो भी देखो बच्चा भी वही पहन के घूम रहा जो मैंने बताई थी जैकेट ना। डेनमार्क स्वीडन वगैरह सब जगह आपको बताता है पेंट होता है, पेंट मतलब जैसे आप प्लास्टिक की एल्यूमिनियम की या फिर कांच की कोई बोतल खरीदते हो तो उसके ऊपर ये लोग पेंट लगाते हैं। पेंट का मतलब होता है भाई एक तरह से कि आप उस बोतल को वापस करिए, अगर आप कांच की बोतल वापस करते हो तो आपको 1 करोना मिलेगा, उस बोतल पर लिखा होता है कितना पेंट है। तो यहाँ पर स्वालबार्ड में कल मैंने देखा कि कई बोतल्स पर 3-3 पेंट भी है, मतलब 24-24 रुपये अगर आपको मिलेंगे अगर आप रिटर्न करते हो तो। उसकी मशीनें भी हैं यहाँ पर रिसाइकलिंग की, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सुपरमार्केट में कल ये मैंने मिस कर दिया था, मैं सोच रहा था क्या बॉटल पी के नॉर्वे लेके जानी है क्या, तो ये है मशीन है देखो, इस पर लिखा हुआ है कि अगर आप बॉटल वगैरह वापस लेते हो तो आपको एक पर्ची दे देंगे जो कि आप अगली बार यूज़ कर सकते हो शॉपिंग पे। भाई मैंने बताया था कि कोल माइनिंग के लिए बड़े फेमस है आईलैंड, तो यहाँ पर कोल माइनर का स्टैचू भी बना रखा है और ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट सी यार। चलो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कल मैं नहीं गया इस वाली मार्केट में, उस मार्केट में और काफ़ी सारी दुकानों में ना मैं हाफ एक्सपेंसिव वाली वीडियो में दिखाई है मैंने, इसके अंदर देखने क्या है। तो यार कल सुपरमार्केट से मैंने बेकार सा मैगनेट ले लिया यार, वो भी बहुत महंगा लिया मैंने वहाँ से और यहाँ पर सिर्फ 49 का है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लुट गया हूँ, ये कितना सही मैगनेट है यार, ये लेना चाहिए था मेरे को, कल मैंने बेकार सा ले लिया, मेरे को लगा और कहीं मिलते नहीं है, जल्दबाजी कर दी मैंने। चलो गर्मियों में आएंगे स्वालबार्ड तो एक दूसरा लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे मस्त मस्त है बैग टैग्स वगैरह ये सब।
काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई ये तो एक शॉपिंग मॉल टाइप निकला, शॉपिंग मॉल 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 नहीं मॉल। तो शॉप इसमें मतलब जैकेट्स हैं, फूल फूल फूलों की दुकान भी है। बताओ भाई कौन ही खरीद रहा है। वो काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल, सब दुकानों पे सुवीनियर वगैरह, थोड़े रेस्टोरेंट वगैरह ऊपर भी है। ये वाली जैकेट देखो अब भाई 4200 की, 4200 को 8 से कर लो, 32000 की जैकेट। ये सुपर मार्केट के अलावा भी ये छोटा सा स्टोर है। और यहाँ पे पानी की बोतल है 50 नोक की, मतलब 400 रुपये की। आप सब लोगों को एक चीज़ और जान के हैरानी होगी, यहाँ पे है ग्लोबल सीड वॉल्ट। मतलब दुनिया में जितने भी तरह के पौधे वगैरह मतलब लोगों ने डिस्कवर किए हैं आज तक, उन सब के बीच यहाँ पे एक वॉल्ट में रखे हैं इन्होंने, कि कोई भी तबाही आ जाए, मतलब कहते हैं ऐसा कि उस वॉल्ट को कुछ नहीं होएगा। मतलब एक तो इसने नॉर्थ में बनाया है और काफ़ी अंडरग्राउंड बनाया होगा, जैसे साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ मैं, उसके अंदर वो सारे बीज रखे गए हैं ताकि मतलब कुछ भी तबाही आ जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, पर वो बच जाए। फिर उसका फ़ायदा क्या है, उससे वही पौधे अलग अलग जगह जाके दोबारा से लगा सकते हैं। मतलब ऐसा कहा है कि रखे हैं, उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से आप देख सकते हो। वो एयरपोर्ट के पास है, आप अकेले जा सकते हो, पर यहाँ पे जाना सजेस्ट नहीं करता कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं भाई पोलर बियर अटैक्स। इस पूरे टापू पे काफ़ी सारे पोलर बियर रहते हैं, और जो यहाँ के लोकल्स हैं अगर सिटी से दूर जाते हैं तो राइफल्स गन्स ये सब लेके जाते हैं अपने साथ, ताकि कोई पोलर बियर आ जाए तो और उन पर हमला करे, तो वो उस पोलर बियर को या तो जान से मार दे या फिर कम से कम हर्ट तो कर ही दें थोड़ा बहुत, कि वो ना करे फिर उन पर अटैक। अभी हम चलते हैं समुंदर के पास तक। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई हैं भाई ये सारी। जैसे ये वाली शॉप थी, ये वाली मेरे को लग रहा है टूरिस्ट के लिए है। तो 24/7 और 12 महीना टूरिस्ट से ही चलता है ये आइलैंड मेरे हिसाब से। तो थोड़ी माइनिंग वगैरह होती होगी। अब जैसे वो तो मेरे को लग रहा है अपार्टमेंट है। और वर्ल्ड में सबसे फेमस 5-स्टार होटल्स की चेन मेरे को लग रहा है, देखो मेरा अंदाज़ है, वो रेडिसन होगी। मतलब सस्ता भी है और 5-स्टार भी है और काफ़ी फेमस भी है। तो रेडिसन यहाँ पे भी खोल दिया रेडिसन वालों ने होटल। उसका प्राइस कुछ आ रहा था शायद इस टाइम पे 25,000 रुपये एक दिन का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 25,000 रुपये आ रहा था शायद। तो भाई ये आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो, मतलब ये नाम है और ये स्टैंप मारी है 23 जनवरी। तो ये है भाई पोस्ट ऑफिस, आप इसमें से कोई भी पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट कार्ड का अलग प्राइस है और पोस्ट करने का अलग। यहाँ पे मैग्नेट है यार, ये वाला भी अच्छा लग रहा है यार, पर अब तो ख़रीद लिया। ये है भाई पोस्ट इनका, और मैंने तो ये ख़रीदा है तो इन्होंने मेरे को लिफाफा भी दे दिया। 100 नोक का था भाई ये, 800 रुपये का, मतलब एक पन्ना बस। तो कोई नहीं, चलता है ऐसा। ओमयाकुन वालों ने भी दिया था, और वो मैंने शायद फ्रेम कराया नहीं अभी, इसको भी करा लेंगे। उसको शायद मैं पापा को दे के आया हूँ कि करा देना फ्रेम। चलते हैं भाई। अगर आप नोटिस करोगे ना तो हर जगह लिखा है स्पिट्सबर्गन, वहाँ पे भी देखो स्पिट्सबर्गन, कहीं पर मतलब स्वालबार्ड लिखा है, मतलब लिखा है कई कई जगह पर स्पिट्सबर्गन इसका पुराना नाम है, जैसे होचीमिन सिटी का कुछ और पुराना नाम था, स्पिट्सबर्गन इसका पुराना नाम है। तो सर्टिफिकेट पे भी यही लिखा है कि स्पिट्सबर्गन विजिट किया है मैंने, ना कि स्वालबार्ड। तो स्वालबार्ड नया नाम दिया गया है। और भाई उस पोस्ट को मैं हाथ में लेके नहीं घूम सकता, मैंने क्या करा, जैकेट के अंदर यहाँ नहीं डाला है, इसके अंदर घुसा लिया। अब क्या कर सकते हैं भाई। और मेरे को अच्छा लगा यार, मेरे को नहीं, मैंने उससे पूछा कि भाई पोस्ट करने है कितना है, तो वो कहती 29 नॉक है, पता नहीं 2.5 यूरो बोला था। और फिर मैंने कहा नॉक, कहती नहीं नॉक 29 है पोस्ट करने का, और शायद पोस्ट कार्ड का अलग से पैसे होते होंगे, पता नहीं क्या है। और कहती पोस्ट यहाँ से रोज़ जाते हैं 12 बजे से पहले, जो जो आप लोग पोस्ट करोगे वो रोज़ जाते हैं नॉर्वे। अब नॉर्वे जाएंगे यार, मेरे को पता था कि इंडिया कभी पहुँचना नहीं है। तो फिर मेरे कई जगह से लेटर पोस्ट किए मैंने, आज तक एक भी नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए पोस्ट नहीं करा जानबूझ के, क्योंकि नहीं पहुंचता तो फिर एक तो 29 का ये नुकसान होता और 100 का ये खरीदता हुआ नुकसान। इससे अच्छा मैं इसको वैसे ही ले जाऊंगा और अपना फ्रेम करा दूंगा। ये तो इनकी हिस्ट्री लिखी है, और यहाँ पे लिखा है यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड,
टू एनकाउंटर पोलर बियर्स एनी वेयर इन स्वालबार्ड, कहीं पे भी आके आप पे अटैक कर सकते हैं, मतलब अटैक नहीं मतलब आ सकते हैं तो अटैक कर ही सकता है। और ये जो है होटल मेरे हिसाब से यही है रेडिसन, या तो ये है या फिर ये है, थोड़ा गूगल मैप थोड़ा अजीब सा चल रहा है। और सामने है भाई एक नॉर्थ पोल म्यूजियम है और एक है स्वालबार्ड म्यूजियम, पर दोनों का बंद होने का टाइम होने वाला है, 5 बजे बंद हो जाते हैं दोनों। अगर आज बंद हो गए तो मैं कल आपको सुबह सुबह जल्दी आके दिखाऊंगा। भाई म्यूजियम तो बंद है, 5 बजे तक खुलता है। आप यहाँ से मतलब लगभग थोड़ी बहुत टाउन देख सकते हो कैसी सी है, इतना तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत तो देख ही लो। स्नोमोबाइल हर जगह खड़े मिल जाएंगे। ये था म्यूजियम, 5 बजे तक खुलता है सुबह 10 बजे से। ये है भाई यहाँ का रेडिसन होटल, कहीं पे भी लिख नहीं रखा, शायद किसी और एंट्रेंस पे लिखा होगा, वो नहीं था, वो कुछ और है। मिल ही गया भाई साइन बोर्ड, रेडिसन ब्लू पोलर होटल स्पिट्सबर्गन, इन्होंने भी देख लो स्पिट्सबर्गन लिखा है, स्वालबार्ड नहीं लिखा। कार्ल्सबर्गर पब, और मैंने ऑनलाइन पढ़ा है काफ़ी अच्छा है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं इसके, तो आप जाना चाहो तो जा सकते हो। इसकी ये टाइमिंग्स हैं और इस पर भी 78 डिग्रीज नॉर्थ लिखा है स्वालबार्ड, जैसे ओमियाकोन में था ना -71.2 हर जगह वैसे यहाँ पे है। भाई कल मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे इतनी कम बर्फ़ कैसे है, मतलब दिखती नहीं है, थोड़ी बहुत ही बर्फ़ होती है, मतलब रोड पर जिस पर मैं चलता हूँ मात्र मतलब ये मान लो 1 इंच की होगी। तो ये देखो दो दो क्रेन्स आ रखे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं और ये यहाँ साफ कर रही हैं, पूरा प्लेन करके जाएगी। तो होटल का रास्ता है ना, ये सिर्फ रास्ते प्लेन कर देती है सारे। तो भाई आज है मेरा यहाँ पे आखिरी दिन, आखिरी घंटे बचे हैं, 1 बजे यहाँ से बस लेने आएगी मेरे को, शटल बस जिससे मैं आया था, और वो एयरपोर्ट पहुँचाएगी मेरे को, तो मेरी फ्लाइट है 3 बजे। कहाँ से निकल रहा है ये क्रेन, साफ करे जा रही है। और अब 3 घंटे में क्या बच गया था यार, कल तो कहीं गया नहीं था मैं, कल तो डॉग स्लाइडिंग करी थी, तो मेरा बच गया था चर्च, नहीं गया था मैं यहाँ पे, और म्यूज़ियम। तो देखते हैं दोनों चीज़ हम विज़िट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, पहले चलते हैं चर्च और फिर चलेंगे म्यूज़ियम। वीडियो में पहले बात कर रहा था ना कि अबैंडन्ड घर हैं, देखो ये वाला, इसमें कोई नहीं रहता, इसमें कोई नहीं रहता, उसमें भी कोई नहीं रहता, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, जैसे इसमें भी कोई नहीं रहता, पता नहीं शायद गर्मियों में आए लोग यहाँ पे, पर अभी तो देखो कोई नहीं रह रहा है यहाँ पे। ऊपर देखो पहाड़ पे भी बने पड़े हैं, वो जो लाइट दिख रही है आपको। भाई आज थोड़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, मुझे मेरे को तो फील हो रहा है भाई जम गई, और मैं यार टोपी पहनना भूल गया, माथे में बिल्कुल ठंड लग रही है डायरेक्ट। चलो आदत सी तो हो गई है, टेम्परेचर तो भी -17 है पर हवा चल रही है ना, उसकी वजह से -23-24 जैसा फील हो रहा है। चर्च मेरे को दिखने लग गया है तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, हीट गेन करेंगे वहाँ पे, चर्च दिखाएंगे आपको और फिर चलेंगे म्यूज़ियम की साइड। भाई उस दिन मैं सोच रहा था मेरे से चर्च मिस कैसे हो गया, तो वहाँ जो ट्रक जा रहा है ना वो तो मेन रोड है जो मतलब शहर में जाती है, और चर्च है उस पहाड़ी पर, वो वाला वो है शायद मेरे हिसाब से, तो इसलिए मिस हो गया था। और भाई पैर ठंडे हो गए, जल्दी चलते हैं। भाई यहाँ से आपको शहर सही दिखेगा, मैं कहीं वहाँ से आया हूँ, वो जो आपको मैं लाइट दिखा रहा था पहाड़ पे वो वाली थी पूरा चल के, और ये है पूरा शहर आगे तक, और वो ऊपर चर्च आ गया, ये आ गया भाई चर्च। देखो भाई जो हम गूगल मैप पे देखते हैं ना वो सीधा मैप होता है, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा आपको असली में नॉर्थ पोल क्या है साउथ पोल क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे चर्च में एक बड़ा सा मैप लगा हुआ है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइन जा रही है 65 डिग्रीज पे जा रही है, देखो आइसलैंड को काटते हुए, ये वाली है आर्कटिक सर्कल की लाइन, सर्कल आर्कटिक, ये 66 डिग्री की है, ठीक है। ऊपर वाली ये हो गई फिर, ये 70 की होगी, ठीक है। हम हैं स्वालबार्ड पे और यहाँ ये है नॉर्थ पोल, तो स्वालबार्ड से देखो कितना दूर है। अब आप देखो जो रशिया मुर्मंस कह देते हैं उससे देखो कितना दूर है,
और आइसलैंड से तो बहुत ही दूर है, ग्रीनलैंड से काफ़ी पास है, पर यहाँ पे कोई नहीं रहता ग्रीनलैंड के, सब लोग यहाँ रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये रहा नॉर्थ पोल। तो ये है भाई चर्च, यहाँ पे बैठने बैठने का बना रखा है, वाईफाई भी है और आगे चर्च है। और यहाँ पे एक शॉप है जो कि मतलब जो भी आप लेना चाहो वो क्या कहते हैं यहाँ पे आप उठा सकते हो, और उस चीज़ के पैसे आप मतलब कहीं पे रख के जा सकते हो, कुछ लिखा होगा इसमें पता नहीं लिखा है, तो यहाँ पे प्राइस लिखे हैं और आप उठा के जो चाहिए आपको लेके जा सकते हो और उसके पैसे रख जाना। यहाँ पे भी देखो भालू, पर ये देखो कितना सही है, फ्री पोस्ट कार्ड यहाँ पे आप ले सकते हो। ये सारे मतलब जो भी हैं चर्च का और वगैरह ये सब फ्री हैं, और एक ही डिज़ाइन के बनाए हैं, क्योंकि भाई बात ही है ना, अगर अलग अलग के बनाएंगे तो लोग सारे अलग अलग लेके जाएंगे। तो ठीक है, अपना एक पोस्ट कार्ड ले लेंगे। चर्च वाले के पीछे सवाल वार्ड वगैरह लिखा है क्या? हाँ लिखा है, तो एक ये ले लेंगे, एक वो वाला ले लेते हैं, इसके पीछे भी लिखा होगा, लिखा तो नहीं है पर ये लग कूल रहा है तो ले लेते हैं, फ्री का है भाई, इतनी दूर मेहनत करके आए तो लेना बनता है। इस चर्च का नाम है स्वालबार्ड किके, द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट चर्च। तो ये भी आप चाहो तो मतलब ब्रोशर है, ये भी आप फ्री में लेके जा सकते हो, पर क्या ही करेंगे हमसे तो गुम ही हो जाएगा। और ये देखो भाई, यहाँ पे खाने पीने का भी फ्री है, मतलब चाय कॉफ़ी बनाओ, अपनी कुकीज़ वगैरह खा लो, फ्री सब कुछ, पानी पियो आराम से आके। भाई ये जो भालू रखा है ना, असली का भालू है ये, इसकी कहानी भी लिख रखी है। 1987 में भाई 2 किलोमीटर दूर से इसको आते हुए देखा था लोगों ने, मतलब जो वहाँ पे एक्सपीडिशन करने गए थे, मतलब घूमने गए थे, उनमें से 2 भालू थे, पर उनमें से ना एक ही भालू उनके पास आया, 2 किलोमीटर दूर से देखा था। और भालू जब 50 मीटर के रेंज में आ गया ना, तो फिर भाई उसको मारना पड़ा। और ये सिर्फ 2 साल का था जो कि मतलब अपनी मम्मी के साथ जा रहा था, पर एक्यूरेट डाटा भी मिसिंग है। तो तब से ये भालू 1987 से यहाँ पे रखा होगा शायद, भाई 1987 में मारा था इसको, तो प्रिजर्व करके यहाँ रख दिया भाई, 2 साल में इतना बड़ा हो गया भालू। पता नहीं भाई, अभी तो लाइट तो ऑफ कर रखी है, तो फ्लैश लाइट से देख लो आप, और मेरे को पता भी नहीं कहाँ से ऑन होती है। भाई यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, अंकुर चौधरी फ्रॉम दिल्ली इंडिया बस हेयर इन लॉन्गर बीन 25/1। और आज मेरे से पहले एक बंदा हो रहा है बस, उससे पहले 23 तारीख को आए थे, मतलब आते तो रोज ही हैं बंदे, पर देख लो कितने कमाते हैं। अभी मैं चर्च पे था और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कारा एंड नेट भी वहीं पे हैं, मतलब स्वालबार्ड में, कल ही लैंड हुए हैं, मैंने स्टोरी देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मेरा था यार मिलने का, क्योंकि मेरे को अच्छे क्रिएटर लगते हैं दोनों, तो मैंने मैसेज करा, पर भाई ऐसे मतलब वो मेरे को फॉलो नहीं करते, मैं करता हूँ मैसेज सीन नहीं होता, तो चलो मैंने वेट किया थोड़ी देर, तो चर्च में ही हूँ मैं, अगर आ गया मैसेज तो मिल लेंगे, नहीं आया चलो कोई बात नहीं। पर यार अब मेरे को लग रहा है जैसे बादल छटे ना, तो जैसे थोड़ी थोड़ी अब देखो दिखने लग गया यार, मतलब खूब अंधेरा तो नहीं कहूँगा यार मैं इसको, मतलब अंधेरा तो है उस साइड है, पर इस साइड तो मेरे को खूब अंधेरा नहीं लग रहा, मतलब धीरे 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 अब 16 फरवरी जैसे जैसे आती जाएगी ना, थोड़ा 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 करके दिन होता रहेगा। तो भाई आपको मैंने दिखा दिया लॉन्गरबीन शहर कैसा सा है, क्या क्या है, और कल शायद मैं एक टूर भी ले लूँ स्नो कैट का, मतलब स्नो कैट एक व्हीकल सा होता है जो मतलब बड़ा सा होता है, ठीक है अब आए हैं तो रात को एक टूर तो ले ही लेते हैं, इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि टूर्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे। अब रात का टाइम हो गया, तो भाई मैं कल टोमेटो सूप ले के आ गया था, थोड़ा गर्म सा पीने का मन है बाहर, भाई अभी आते वक्त -12 हो गया था, हवा चल रही थी ना, तो भाई देखो नाक अभी तक लाल है, कितनी ज़्यादा लाल हो गई। तो
अब चलते हैं टोमेटो सूप पीते हैं, क्योंकि ये सूप मैं मार्केट से लेके आया था 30 करोना का, जो कि 240 रुपये होता है, जो कि इंडिया में 30-40 रुपये का मिलता होगा। पर अगर यही आप रेस्टोरेंट में पीने जाओगे तो एटलीस्ट 100 करोना का तो मिलेगा ही आपको यहाँ पे, जो कि 800 रुपये होते हैं। तो वो मेरे को पीना नहीं था, तो अभी जाते हैं पानी में बना के अपना पीते हैं और लेटते हैं। तो भाई मैं सच बताऊँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी सूप तक नहीं बनाया घर में, क्योंकि भाई मम्मी इतनी सेवाबानी कर देती है। तो ये पैकेट था, इसमें भाई मेरे को लगा यार थोड़ा ज़्यादा ही मसाला है, शायद एक पैकेट में 2 बार बन सकता है, क्योंकि ये 808 DL लिखा है उस पर, तो 800 ml होता होगा उसका मतलब, पर ये तो यार 800 ml से तो कम ही है। चलो देखते हैं आज बना के, पता चल जाएगा क्या है।